समाज सेवी ललनेश सिंह ने नए तरीके से नववर्ष 2019 की शुरुआत की, जो लोगों को खूब पसंद आया। नए वर्ष के अवसर पर ललनेश सिंह ने लोगों के बीच गुलाबों का वितरण कर एवं उनका आशीर्वाद लेकर इस वर्ष की शुरुआत की। इस दरमियान रिक्शा चालकों, दुकानदारों, मछली विक्रेताओं के साथ साथ राहगीरों को भी गुलाब थमाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। ललित सिंह ने इस दरमियान कहा कि उन्होंने लोगों के बीच खुशियां बांटकर नववर्ष की शुरुआत की है, ताकि पूरे वर्ष लोगों की जिंदगी में खुशियां भरी रहे। वर्ष के शुभ अवसर पर हम खुशियों का पैगाम देना चाहते हैं कि जिस तरह ये गुलाब खिला हुआ है 2019 सबों के लिए इसी तरह लाल और खिला हुआ बीते, यही शुभकामनाओं के साथ हमने यह तय किया है कि गुलाब फूल के साथ हम लोगों को बधाई दें नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ। ये बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम है यार। समाज सेवी ललनेश जी इस तरह का अनूठा सब कार्यक्रम करते रहते हैं, लगता है कि दिल से दुआ देने का मन करता है। और आज खास करके इस धार्मिक स्थान पर पॉलिटेक्निक मंदिर के परिसर में ललनेश जी बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन का सम्मान कर रहे हैं, और वार्ड नंबर 10 नगर निगम का जितने भी बुजुर्ग हैं, महिला पुरुष सबका ये गुलाब देकर उनके प्रति शुभकामनाएं अर्पित कर रहे हैं, उनके प्रति सदिच्छा जाहिर कर रहे हैं। और एक पूर्णिया की श्रेष्ठता के क्षेत्र में एक बड़ा कदम हो रहा है, यह बढ़ता हुआ कदम है। और उस तरह का समाज से भी दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। कहते हैं प्रजा के सेवक जहां नरेश, प्रजा के दरवाजे पर जाकर जो पूछे बोलिए सर, बोलिए चाचा, बोलिए बाबा, बोलिए दादा, हम आपकी क्या सेवा करें। युवा लवनेश भाई ने जो आज काम किया है समाज के लोगों को अपने इस जगह पर बुलाकर और आज गुलाब का फूल देके नया वर्ष का शुभारंभ करवाया, एक नई पहल की है। इसलिए युवा लवनेश जी को सभी पूर्णिया के युवाओं की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसी तरह नई पहल करने से लोगों में एक संचार होता है, जोश आता है, और इनकी पहल को हम सलाम करते हैं।